अच्छा एक और चीज, सुनील पहले आना चाहिए कि पहले अजीत आना चाहिए? पहले आना चाहिए कि अजीत? अब अगर जाके इनने उनने किए तो मेरा तो रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, कोई दिक्कत है? काम कीजिए, रिकॉर्ड को पकड़ लीजिए, मेरा सारा रिजल्ट रेडी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम सब निकाल कर बैठे हुए हैं कि ना। बस प्रिंसिपल सर ने कहा कि नहीं डेटा मतलब डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करें। याद होगा सारे क्लास में जितने रूटीन है लड़कियों के नाम लाल रंग से लिखे हुए हैं और सारे बच्चों के नाम अल्फाबेटिकल है, हाँ या ना? सही भी कह रहे। तो बन जाने के बाद क्या पॉसिबल है देखते हैं। तो डाटा सेलेक्ट कर लीजिए हेडिंग के साथ, हेडर के साथ डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ देखिए क्या आया है, सॉर्टिंग लिखा हुआ, सॉर्ट एंड फिल्टर क्लिक कीजिए। देखिए क्लिक कहाँ करना है, क्लिक करना है तीर पर, तीर वाले नीचे पर आकर क्लिक किए, लिखिए लिखा हुआ है सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट जेड टू ए। लेकिन क्या कर देगा कुछ पता नहीं चलेगा, तो इस चीज को परखने के लिए हम अजीत के रिकॉर्ड को लाल से ए टू जेड, कोई दिक्कत हुआ? एक क्लिक में खत्म। अगर ए टू जेड हो सकता है तो जेड टू ए भी हो सकता है, हुआ? कोई डाउट? ए टू जेड हुआ। अब कहिए सर रोल नंबर गड़बड़ आ गया, तो रोल नंबर एडजस्ट कर लीजिए, आपको दिक्कत है? सबको ब्लैक कर दीजिए, अपना नॉर्मल कलर कर दीजिए। क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू सॉर्ट द रिकॉर्ड। पहले लिखिए सॉर्टिंग मीन्स, सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द रिकॉर्ड इन असेंडिंग और सेंडिंग ऑर्डर। ये सॉर्ट का मतलब हो गया, यानी कि हम ये भी क्वेश्चन करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्ट, हो सकता है? तो सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द रिकॉर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब सवाल ये था हाउ टू सॉर्ट द रिकॉर्ड, तो सेलेक्ट द टेबल, क्या कमांड का नाम है सॉर्ट